गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन डीएससी 103 हमने ऑलरेडी दो सेक्शंस कर लिए हैं. सेवन्थ यूनिट फ्लावरिंग ट्री एंड उसका जो एक दूसरा विमेंस पीक है यूनिट का टाइटल, और तो उसका एक पोर्शन है अ फ्लावरिंग ट्री और दूसरा है रिटेलिंग ऑफ रामायणा. तो दोनों सेक्शन जो है दे आर रिटन अबाउट फीमेल. फ्लावरिंग ट्री डील्स विद द स्टोरी ऑफ अ फीमेल हु हाउ डिड शी कन्वर्ट हर सेल्फ इन टू अ फ्लावरिंग ट्री, किस तरह ह्यूमन बींग बनती है, किस तरह उसकी लाइफ में चेंजेस आते हैं. और दूसरी तरफ जो स्टोरी है, जो रिटेलिंग ऑफ रामा टेल है, दैट इज़ रिटन बाय अ फीमेल. एक फीमेल ने फीमेल की व्यू पॉइंट, सीता की व्यू पॉइंट से वो स्टोरी लिखी है कि वो डिड सीता थिंक ऑफ हर सेल्फ, हाउ डिड शी टेक बोथ, उसका जन्म कैसे हुआ और उसका अंत कैसे हुआ और क्यों हुआ. और पूरी की पूरी स्टोरी में सिर्फ सीता के ऊपर फोकस है. तो इन दोनों स्टोरीज में फीमेल साइके को बड़ी डिटेल में स्टडी किया गया है. हालांकि जो फ्लावरिंग ट्री है उसके जो ऑथर हैं इज़ अ मेल, एक रामानुजन की वो स्टोरी है, लेकिन फीमेल साइके की डिस्क्रिप्शन बहुत ज़बरदस्त दी गई है. उस तरह से दलित वॉइसेस का हमने किया जहाँ हमने इंट्रोडक्टरी किया कि दलित लिटरेचर किस तरह से शुरू हुआ, ये लोगों इन लोगों का अराइवल कैसे हुआ लिटरेचर सीन पे, और उसके बाद एक पोइम थी हैबिट, देन एक और अनटाइटल पोइम थी एंटी राजकुमार की, वो की है. फिर हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने बामा का करुकू जो ऑटोबायोग्राफी है उसका एक सेक्शन किया है. ईच एंड एवरीथिंग टेल्स अस कि दलित लाइफ में कितना स्ट्रगल था, और उसमें ये भी बताया गया कि उन लोगों ने किस तरह संघर्ष करके वो लोग आगे बढ़े और अपने राइट्स के लिए उन्होंने संघर्ष किया. ठीक है, अब जो हम सेक्शन करेंगे हमारा वो सेक्शन डील करता है सूफी और भक्ति काल से. मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई है कि सूफी और भक्ति काल दोनों के बारे में आपने लिटरेचर में पढ़ा हुआ है, लिटरेचर नहीं सॉरी आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कहीं 8th 9th या 10th में. तो सूफिज़म एंड भक्तिज़म दो अलग अलग धाराएँ थी, दो अलग अलग वेव्स थी. वन ओरिजिनेटेड इन इंडिया एंड अदर ओरिजिनेटेड इन अरब समवेयर अरेबिक नेशंस में ओरिजिनेट हुई, लेकिन दोनों कहाँ आके मिले, इंडिया में. क्योंकि इंडिया में जो एक कंसेप्ट ऑफ सर्वधर्म समभाव है वैसे नहीं दिया जाता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ कई चीज़ें नेचुरली आके इंडिया में जो है फ्लरिश होती हैं. जैसे महात्मा बुद्ध का कंसेप्ट ले लो, महावीर का कंसेप्ट आप ले लो, और जितने भी गॉड्स गॉडेसेस या धर्मों के प्रवर्तक हुए हैं उनका कंसेप्ट आप ले लो, वो सारे जो है मैक्सिमम ऑफ देम दे बिलोंग टू इंडिया. एक जीसस क्राइस्ट का जो कंसेप्ट है दैट डजंट बिलोंग टू इंडिया. सो जो ये वाला सेक्शन है दैट इज़ डिवोटेड टू भक्ति काल एंड सूफी काल. दोनों धाराओं के कवियों का, दोनों धाराओं में कवि थे, दोनों का विचार सेम था, और दोनों का जो मोड ऑफ वर्शिप था वो सेम था, और एंड में जाके वो एक जगह ही इकट्ठे हुए, वो इंडिया में इकट्ठे हुए. तो पहले हम लोग इन जनरल इंट्रोडक्टरी पढ़ेंगे, उसके बाद आई विल टेल यू मच मोर अबाउट सूफी एंड भक्ति काल. सो वील स्टार्ट विद टेक्स्ट बुक नाउ. एक मैड लवर का कंसेप्ट है, टाइटल ऑफ द वर्क इज़ मैड लवर. और जो मैड लवर का जो कंसेप्ट है वो किस तरह से, व्हाट इज़ मैड, मैड इज़ वन हुज लॉस्ट इज सेंसेस, जो पागल हो चुका है, तो उसके बारे में डिटेल में दिया गया है, उसको हम लोग अभी डिटेल में करेंगे. एंड दिस कंसेप्ट हैज़ बीन डिस्कस्ड यू नो इन प्रॉपर डिटेल, क्योंकि अगर आप मीराबाई को देखो, ठीक है, तो क्या है, विच टाइप ऑफ लवर शी वॉज, वो किस तरह की लवर थी, शी वॉज इन लव विद लॉर्ड कृष्णा. और उन्होंने क्या बताया है, भक्ति काल और सूफी काल में एक चीज़ कॉमन थी, दोनों ने एक चीज़ माना है कि आत्मा से परमात्मा का मिलन. आत्मा कौन है, हमारी जो सोल है, इट गेट्स अल्टीमेटली यूनाइटेड विद द डिवाइन सोल ऑफ लॉर्ड. वो रास्ते जो मर्जी हों, जिस मर्जी रास्ते को फॉलो करो, लेकिन जो भी आपका मोड ऑफ वर्शिप है, लेकिन अल्टीमेटली हमारी सोल का जो यूनियन है वो गॉड से होगा. और जितने भी आप सूफी सॉन्ग्स देखते हो, यू फील ट्रांसपोर्टेड टू अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड. उनकी प्रेजेंटेशन ही उस तरह की होती है. जितने भी आप, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह से अगर आप लाइव टेलीकास्ट देखते हो, द वे दोज पीपल दे यू नो टेक राउंड्स वाइल प्रेइंग, एंड या फिर आप इन जनरल मूवीज़ में आप देखते हो, जैसे जोधा अकबर का एक सॉन्ग है, इन विच यू नो वाइट अटायर इज़ देयर, वाइट कलर की ड्रेसेस डाल के उन्होंने जो डांस किया है, दैट ट्रांसपोर्ट्स अस टू अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड. तो ये जो उनका जो मोड ऑफ वर्शिप है दैट इज़ वेरी सिंपल,
कुछ ज़्यादा तो है ही नहीं उसमें। यू डोंट नीड एनी आइडल, कोई मूर्ति नहीं चाहिए, कोई मंदिर नहीं चाहिए, कोई मस्जिद नहीं चाहिए, कोई चर्च गुरुद्वारा कुछ नहीं चाहिए उन लोगों को। वॉट डू दे नीड? प्योर हार्ट विच वॉन्ट्स टू बी कनेक्टेड विद गॉड, अल्टीमेट पावर के साथ उसको कनेक्ट होना है। तो इस चीज़ के ऊपर जो है आपका ये भक्ति और सूफिज़म का मेन कंसेप्ट बेस्ड है। आप लोगों ने मीरा बाई के बारे में सुना होगा, ठीक है? शी वॉज़ अ क्वीन, और उस वक्त फीमेल को कितनी रिस्ट्रिक्शंस थी आपको अच्छी तरह से पता है। दे वर नॉट अलाउड टू मूव आउट ऑफ द पैलेस, और उनको चेहरा ढक के रखना होता था। लेकिन मीराबाई की जितनी भी मैंने आज तक पेंटिंग्स देखी हैं, फोटोज़ देखी हैं, उसमें शी इज़ शोन बेयर फेस्ड एंड लॉस्ट, एंड हाथ में एक तारा लेके शी इज़ शोन लॉस्ट इन द लव ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और भी बहुत से ऐसे संत हैं जो भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग पहले इंट्रोडक्टरी पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको उन चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करूँगी। बट इंट्रोडक्शन वॉज वेरी वेरी नेसेसरी जितना मैंने आपको दिया है, क्योंकि उससे हम लोगों का एक बेस बनता है कि बेसिक कंसेप्ट क्या है। बेसिक कंसेप्ट है यूनियन ऑफ सोल विद गॉड। तो आप जितने भी नुसरत फ़तेह अली खान के गाने सुनते हो, मैक्सिमम सॉन्ग्स, राहत फ़तेह अली के गाने सुनते हो, मैक्सिमम ऑफ देयर सॉन्ग्स, दे आर रिलेटेड टू सूफिज़म, जहाँ पे आत्मा और परमात्मा की मीटिंग की बात की गई है। वो किस कैसे दिखाता है, मेल और फीमेल का दिखाया है, जहाँ पे फीमेल हमारी सोल है और मेल जो है वो लॉर्ड को दिखाया गया है, भगवान को दिखाया गया है। वो किसी भी रिलीजन का हो सकता है, लेकिन प्रेजेंट कंटेक्स्ट में, और वो इंटेंस, इतना ज़्यादा इंटेंस लव वो दिखाया जाता है कि वी फील लाइक दैट इज दिस लव इज़ बिटवीन अ मेल एंड फीमेल। रियल कंटेक्स्ट में उसको मेल और फीमेल में हम उसको ले लेते हैं, लेकिन वो जो कंसेप्ट ऑफ लव है दैट इज़ मेंट फॉर गॉड एंड सोल। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें। अब अगर आप देखो कि जितने भी लवर्स के एग्जांपल दिए जाते हैं, चाहे वो शीरी फरहाद है, सोनी महिवाल है, रोमियो जूलियट है, या फिर हीर रांझा है, तो अनरिक्विटेड लव रहता है उसमें। फुलफिलमेंट अगर हम सोचें कि शादी वाला कंसेप्ट तो कहीं आता ही नहीं है, तो एट टाइम्स हमें क्या लगता है कि शायद ये भी कंसेप्ट ऑफ डिवाइन लव ही है, शायद ये जो स्टोरीज़ हैं ये जो हैं ये डिवाइन लव के कंसेप्ट के ऊपर ही बेस्ड चीज़ें हैं। पता नहीं ये ओरिजिनली एग्जिस्ट करती थी या नहीं करती थी, लेकिन अल्टीमेटली क्या है, अल्टीमेटली जो है वो अनफुलफिल्ड रहता है कंसेप्ट ऑफ लव, और हमारी आत्मा जो है वो परमात्मा से मिलती है, उस चीज़ को इसमें शो किया गया है। सो वी विल गो थ्रू द कंसेप्ट, जो चैप्टर का हमारा है उसको हम डिटेल में करेंगे इसमें। शिशिर कुमार दास वॉज द टैगोर प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में वो प्रोफेसर थे। एन एमिनेंट स्कॉलर, फेमस स्कॉलर, ही वॉज ऑल्सो अ वेल नोन पोइट, अच्छे पोइट भी थे, प्ले राइट। डब्ल्यू से है स्पेलिंग, तो डब्ल्यू से राइटर का स्पेलिंग ओरिजिनेट होता है। लिंग्विस्ट, टू नोज लैंग्वेज वेल। कंपैरेटिस्ट, जो कंपैरिजन करता है, ट्रांसलेटर। हिज रिसर्च इन लिंग्विस्टिक्स एट कॉर्नल यूनिवर्सिटी प्रोड्यूस्ड सेमिनल वर्क इन बंगला। उन्होंने कॉर्नल यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया, उन्होंने एक वर्क लिखा बंगला में, एंड भाषा जिनासा इंक्वायरीज इन टू लैंग्वेजेस, भाषा की जिज्ञासा, इंक्वायरीज इन टू लैंग्वेजेस। ही एडिटेड द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश इंडियन लिटरेचर, पब्लिश्ड इन टू वॉल्यूम्स बाय साहित्य अकेडमी। एडिट किया है, यानी कि जो लिखा था उसको बेटर किया है। ही ट्रांसलेटेड अरिस्टोटल्स पोएटिक्स, अरिस्टोटल या अरस्तु का आपने नाम सुना होगा, उनकी बुक को ट्रांसलेट किया। सेवरल ग्रीक प्लेस इन टू बंगला, और बहुत से ग्रीक प्लेस को उन्होंने बंगला में ट्रांसलेट किया। रोल ऑफ ट्रांसलेशन, देखो यहाँ पे पता लगता है कि ग्रीक प्लेस थे, हमारी माइथोलॉजी अलग है, हमारे धर्मशास्त्र अलग है, हमारे कॉन्सेप्ट अलग है, भाषा अलग है, जीने का तरीका अलग है, रहने सहने का तरीका अलग है, रिचुअल्स अलग है, लेकिन फिर भी इन्होंने ग्रीक प्लेस को बंगला में ट्रांसलेट किया। तो बंगाल वाले लोगों को बेनिफिट हुआ उससे, उनको बहुत ज़्यादा पता चला। ही वॉज अ रिसिपिएंट ऑफ मैनी नेशनल एंड इंटरनेशनल अवार्ड्स, बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स उनको मिले हैं, इंक्लूडिंग द नेहरू प्राइज ऑफ द फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी फॉर हिज वर्क एंड वेस्टर्न स्कॉलर्स ईस्टर्न सीज। ये सारे के सारे अवार्ड्स उनके उन्होंने हासिल किए हैं। द डोमिनेटिंग नोट ऑफ इंडियन रिलीजियस पोइट्री इन मेडिवल पीरियड, मेडिवल है मध्यकालीन पीरियड में, जो डोमिनेटिंग नोट था भारतीय भक्ति काल में इन इंडियन रिलीजियस पोइट्री में, जो डोमिनेटिंग नोट था इज दैट ऑफ एक्सटेसी। एक्सटेसी इज अ स्टेट। अगर आप जोधा अकबर वाले जो मैं बता रही हूँ ना, वाइट ड्रेस में एक सॉन्ग है, आई एम नॉट एबल टू रिमाइंड दैट सॉन्ग इन माई माइंड, अभी याद नहीं आ रहा, मैं आपको फिर बताऊँगी जब मुझे याद आएगा। या फिर
कभी आपने इस्कॉन में का अगर कभी वीडियो वगैरह देखोगे ना, आप गूगल पे इस्कॉन सर्च करना, इस्कॉन के जो फॉलो जो टेम्पल्स होते हैं ना, दे आर डिवोटेड टू राधा कृष्ण टेम्पल्स होते हैं, और वह फॉरेनर जो है हरे राम हरे कृष्ण की चैंटिंग करते रहते हैं, और वो एक टोटल एक्सटेसी परम आनंद की स्थिति होती है, वो पूरा दिन उसी में मस्त रहते हैं, और वो लोग दे आर लीस्ट कंसर्न विद द वर्ल्ड अराउंड देम। मीराबाई की आपने फ़ोटोज़ देखी होंगी, दैट वाज अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, परम आनंद की अनुभूति, दैट वाज अ स्टेट जहाँ हम दुनियादारी से दूर हो जाते हैं, दुनिया के या कहेगे वाले कंसेप्ट से दूर हो जाते हैं, और जिसके साथ हम लोगों की अटैचमेंट है उससे अटैच हो जाते हैं। सो अ लॉन्गिंग ऑफ द डिवोटी, लॉन्गिंग डिज़ायर ऑफ द डिवोटी फॉर यूनियन विद गॉड, वो परम आनंद की अनुभूति जहाँ पे डिवोटी, डिवोटी कौन होता है, भक्त, साधक, गॉड के साथ यूनाइट होने के लिए जो है वो बिल्कुल एंग्शियस होता है, एंड टू मर्ज हिज आइडेंटिटी विद द गॉड हेड, मर्ज होता है मिक्स करना, और अपने वजूद को भगवान के वजूद में वो मिक्स करना चाहता है, मीन्स कि वो रेडी होता है टू बी अ पार्ट ऑफ गॉड। और वो कब होगा, दैट इज़ कॉल्ड असीम आनंदया एक्सटेसी की जो स्टेट होती है, इन नो अदर पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री वन फाइंड सो मेनी सेंट्स एंड पोइट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इंडियन हिस्ट्री के किसी भी हिस्से में, ठीक है, किसी भी पीरियड में इतने ज़्यादा सेंट्स और पोइट्स देश के अलग अलग भागों से नहीं मिले। कहाँ पे, कैसे, स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस, तो अलग अलग भाषाएँ बोलते थे, प्रैक्टिसिंग डाइवर्जेंट रिचुअल्स, अलग अलग उनका मोड ऑफ प्रेयर था, बिलोंगिंग टू डिफरेंट रिलीजियस ऑर्डर्स, अलग अलग धर्मों से वो संबंधित थे, एंड बिहेविंग ऑलमोस्ट इन एन आइडेंटिकल मैनर टू देयर इन देयर अप्रोच टू गॉड, बट देयर अप्रोच टू गॉड वॉज आइडेंटिकल। रास्ता क्या था कि प्रभु सिमरन करना है, वील प्रे टू गॉड इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल वे, वी वॉन्ट वरी अबाउट द वर्ल्ड, वी वॉन्ट वरी अबाउट द सोसाइटी, वी वॉन्ट वरी अबाउट एनी थिंग एल्स, कुछ भी परेशानी नहीं करनी है। इफ़ वी वॉन्ट टू मूव आउट, वील मूव आउट, इफ़ यू वेयर सो एवर वी फील लाइक प्रेइंग, हम लोग वहाँ प्रे करेंगे। दिस वॉज द मोड एक्चुअली। देर इज़ नो मोर देन काम एंड रिस्ट्रेंट ऑफ द उपनिषद, उपनिषदस, कि वहाँ पे शांति या जो रिस्ट्रिक्शन है उपनिषद की ना उसको फॉलो करते हैं। नो मोर द साइलेंस ऑफ मिड नाइट स्टार्स, ना वो आधी रात में बैठ के साधना करते हैं, एंड ऑफ एजलेस माइटी ट्रीज, ना उनको पुराने पुराने बड़े बरगद के पेड़ों की ज़रूरत होती थी तपस्या करने के लिए, यानी कि ना तो आधी रात को बैठ के मेडिटेशन करनी है, ना पुराने पेड़ के नीचे बैठ के साधना तपस्या करनी है, ना उपनिषदों को फॉलो करना है कि भाई सुबह नहा लो, ब्रश कर लो, फिर फ्लावर्स प्लक करके लाओ, फिर अपना वही सारे रिचुअल्स जो कहाँ पड़े हैं, डिलीवरेंस में जो रिचुअल्स पड़े हैं उनकी बात करनी है, ना तो उन रिचुअल्स को हमें फॉलो करना है, ना हमें किसी मूर्ति के पास बैठ के प्रे करना है, कुछ नहीं करना है, हमें अपने मन से कॉन्टेक्ट ऊपर वाले को करना है, ठीक है। Here is a piercing cry of the devotee. Piercing होता है दिल को छू लेने वाली, cry of the devotee means एक devotion, एक भावना devotee की, which touches the heart, जो दिल को छू लेती है। A storm lashing in the forests, even if a storm is there in the forests, waves surging on the beach, कि चाहे किनारे पे लहरों का बहाव है, चाहे फॉरेस्ट में तूफान है, लेकिन जो डिवोटी की डिवोशन है वो एज इट इज़ रहती है। द इमेज ऑफ वेनरेबल सेजेस सिटिंग क्वाइटली लाइक अ स्टिल, और संतों की वो इमेजेस जो सदियों तक बिल्कुल स्थिर रहते हैं, अनफ्लिकरिंग फ्लेम, फ्लिकरिंग फ्लेम क्या होती है, जैसे हवा चलती है ना, आपने मान लो कैंडल जलाई है, तो कैंडल की जो हवा जो है से जो विक हिलती है, जो उसकी बत्ती हिलती है ना, दैट इज़ कॉल्ड फ्लिकरिंग फ्लेम, कि फ्लिकर कर रही है, लाइट भी फ्लिकर करती है ना, जो आपके वोल्टेज अप डाउन होती है, ठीक है। तो अनफ्लिकरिंग फ्लेम, कि जो मर्जी तूफान आ जाए, मेरा जो दया की भावना है मेरे अंदर, जो प्रेयर वाली एक भगवान के लिए डिवोशन है, ये ज्योत जो है हमेशा वो जली रहेगी, हिलेगी भी नहीं। अनफ्लिकरिंग फ्लेम इज़ बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ मैड लवर, तो एक मैड लवर जो उनको रिप्लेस कर रहा है, कैसे, जो सेजेस की पेड़ की तरह बैठने वाली एक तपस्या है, अनफ्लिकरिंग फ्लेम है, उसको एक मैड लवर रिप्लेस कर रहा है, विच इज़ इंडीड द मोस्ट कॉन्स्पिशियस एंड मोस्ट रेकरेंट इमेजरी इन मेडिकल रिलीजियस पोइट्री, जो मध्यकालीन धार्मिक पोइट्री के सबसे रेकर करने वाली, बार बार आने वाली स्ट्रॉन्ग इमेजेस में से है। वो क्या है कि जो पोइट है वो क्या कर रहा है, सॉरी, जो सेंट है वो क्या कर रहा है, वो खुद को भगवान के प्रति समर्पित कर रहा है। पहले भक्ति मूवमेंट का करेंगे जो भारत में ओरिजिनेट हुई, ठीक है। द
भक्ति मूवमेंट वॉज अ मूवमेंट ऑफ कॉमन पीपल, आम आदमी से रिलेटेड थी। अब अगर आपको ड्रामा का ओरिजिन याद होगा, मैंने आपको बताया था कि ड्रामा का अराइवल कैसे हुआ, कि जो चर्च थे उसमें पहले जीसस क्राइस्ट के बर्थ से रिलेटेड ड्रामा होते थे, फिर लोगों ने सोचा थोड़ा मजाक डालते हैं और मज़ा आएगा, जिसे लोग पढ़े लिखे होने लगे, पढ़ने लगे लोग, थोड़ा एलिमेंट ऑफ ह्यूमर इंट्रोड्यूस किया। तो जो पादरी थे उन्होंने बोला कि भाई एलिमेंट ऑफ ह्यूमर वोंट बी इंट्रोड्यूस्ड हियर, रिलीजियस मैटर है, आप चर्च यार्ड में चले जाओ। चर्च यार्ड से वो लोग खुली गाड़ियों, खुली एरियाज में गए, जहाँ वैगन्स के ऊपर वो करते थे, जैसे आपकी रामलीला होती है, एक सीन एक वैगन पे, दूसरा दूसरे पे, और लंबी लाइन ऑफ वैगन्स होती थी। उसके बाद वो लोग थिएटर की तरफ शिफ्ट हो गए। तो सेम इज़ द केस हेयर। तो पहले क्या था, जो भक्ति भाव था, इट वॉज मेंट फॉर यू नो बड़े बड़े टेम्पल्स, रोज़ सुबह ढेर सारे फूलों के हार आएंगे, भगवान को तैयार करेंगे, गॉडेस को तैयार करेंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर प्रेयर्स होंगी जहाँ पे सेंटेड जो है आपका इंसेंस जलाया जाएगा, धूप जलाया जाएगा, तरह तरह के भगवान को स्नान करवाए जाते थे, भगवान को प्रॉपर ड्रेसअप किया जाता था। बट इट वॉज़ नॉट हेयर, यहाँ कुछ भी नहीं है, ये क्या है, आम आदमी की वर्शिप है, और ये वर्शिप सबसे ज़्यादा इंटेंस। इट वॉज़ अ मूवमेंट ऑफ कॉमन पीपल बाय एंड लार्ज, आम आदमी द्वारा चलाया गया एक आंदोलन था, एंड इट ग्रू आउट ऑफ द इमोशनल रिक्वायरमेंट ऑफ द पीपल। इमोशनली जो लोग चाहते थे, उन्होंने इमोशनल रिक्वायरमेंट के अनुसार ये ग्रो किया। मीरा की इमोशनल रिक्वायरमेंट थी, और जो पोइट्स हैं उनकी इमोशनल रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, ऑफ कॉमन मैन, इमोशनल रिक्वायरमेंट थी लोगों की, ऑफ द कॉमन मैन, और आम आदमी की, हु फाउंड हिमसेल्फ एवरीवेयर इन चेंज, जिसको कर्म कांडों से बांधा गया था। अरे बिना नहाए पूजा मत करना, मंदिर मत जाना, नंगे पांव फ्लावर्स प्लक करने हैं, नंगे पांव भगवान का कमरा साफ करना है, नंगे पांव ही चलना है, प्रसाद भी नंगे पांव बनाना है। तो ये सारे के सारे जो रिचुअल्स थे, दे कंसिडर्ड देम लाइक यू नो बॉन्डेज। उनको लगता था कि हमें जो फेटर्स हैं, चेन्स हैं, हथकड़ी बेड़ियाँ जैसे हमारे हाथों पांव में बांधी गई हैं, उनसे वो आज़ाद होना चाहते थे, ठीक है। सो ही सडनली रिवोल्टेड अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड रिलीजन्स, और जो वो पोइट थे भक्ति मूवमेंट के, वो किस चीज़ के अगेंस्ट हो गए, जो रिलीजियस रिचुअल्स थे उनके अगेंस्ट हो गए एकदम से, एंड चैलेंज्ड द सोशल कन्वेंशंस, और समाज में जो कुरीतियाँ एग्जिस्ट कर रही थी, पैटर्न एग्जिस्ट कर रहा था, उन्होंने उनको चैलेंज कर दिया, कि कहा कि बताओ कहाँ, किसने कहा, कब कहा कि ये पैटर्न है। दैट्स वाई द मूवमेंट वॉज अगेंस्ट द ब्राह्मणिक अथॉरिटी। अब क्या हुआ, ये ब्राह्मणिक अथॉरिटी के अगेंस्ट होगी, कैसे होगी, क्योंकि ब्राह्मण्स को रिचुअल्स के लिए बुलाया जाता था, कथा के लिए बुलाया जाता था, पाठ के लिए बुलाया जाता था, छोटी छोटी पूजा के लिए बुलाया जाता था, इन लोगों ने बोला ज़रूरत ही नहीं है। तो उससे क्या हुआ, जो ब्राह्मण्स थे उनका जो एक रोल था ना सोसाइटी में, वो कम होने लगा, क्योंकि अब लोग रिचुअल्स के लिए बुलाने नहीं लगे, पूजा पाठ को खुद करने लगे, और उन्होंने ये भी नहीं बोला कि मूर्ति की स्थापना ज़रूरी है, उन्होंने बोला भाई जहाँ मर्जी प्रेयर कर लो। इट वॉज अगेंस्ट द ब्राह्मणिक अथॉरिटी, अगेंस्ट टेम्पल्स, प्रीस्ट, स्कॉलर्स एंड फॉसिलाइज कस्टम्स। फॉसिल्स क्या होते हैं, जो रिमेन्स होते हैं ना हड्डियों के, उनको फॉसिल्स बोलते हैं। तो उन कस्टम्स के अगेंस्ट था, जो पुराने घिसे पिटे कस्टम्स थे उनके अगेंस्ट थी ये मूवमेंट। द मूवमेंट अलॉन्ग विद इट्स प्रोटेस्टेंट फीचर्स, मूवमेंट कैसी थी, प्रोटेस्टेंट फीचर्स थे, जो प्रोटेस्ट विरोधी वाले फीचर्स थे, ऑल्सो वॉइस द जॉय ऑफ लिबरेटेड स्पिरिट, आज़ाद महसूस करना खुद को, जैसे आप पहाड़ी पे जाके दोनों हाथ खोल के डीप ब्रेथ करते हो ना, फील लाइक यू आर फ्लाइंग विद बर्ड्स, पक्षियों के साथ उड़ रहे हो आप, तो उस तरह की आज़ादी, ठीक है। अब इसमें जो प्रोटेस्टेंट वर्ड यूज़ हुआ है, क्रिश्चियनिटी के दो विंग्स होते हैं, एक है प्रोटेस्टेंट, एक है कैथलिक। जो कैथलिक होंगे वहाँ पर मदर मेरी की आपको मूर्ति मिलेगी, ठीक है, और उसमें मूर्ति में कौन है, जीसस क्राइस्ट जो है वो दिखाए होते हैं, और वहाँ पे लोग प्रेयर करते हैं और कैंडल जलाते हैं। लेकिन अगर आप प्रोटेस्टेंट चर्च में जाते हो तो वहाँ वो लोग मूर्ति पूजक नहीं है, दे डोंट बिलीव इन आइडल वर्शिप, ठीक है। तो ये लोग आर्य समाज के फॉलोअर्स भी नहीं थे, याद रखना, आर्य समाज वाले भी आइडल वर्शिप नहीं करते हैं, लेकिन वो रिचुअल्स को मानते हैं, उनके कर्म कांड पूरे हैं। लेकिन जो भक्ति काल वाले थे, उन्होंने किसी रिचुअल को नहीं माना, वो सब रिचुअल्स के अगेंस्ट ही गए। सो देर वॉज एन अबंडेंस ऑफ इमोशंस, भावों की अधिकता थी, देर इमोशंस, देवर फिल्ड विद इमोशंस। कभी मीरा की हिंदी में कविताएँ पढ़ना, इफ़ आई फाइंड एनी थिंग आई सेंड यू, मैं आपको वो भेजूँगी। एक उनकी बड़ी फेमस कवि जो कविता है वो
बहुत बार पढ़ी भी जाती, शायद इसमें भी रेफरेंस होगा वो, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। इस तरह की उनकी जो कविताएं उन्होंने लिखी हैं भक्ति काल में, दे आर मैचलेस। इफ़ यू फील देम, उनको अकेले में सुनोगे ना, यू फील ट्रांसपोर्टेड टू अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। एक अलग दुनिया में हम पहुंच जाते हैं, मेंटली एकदम से रिलैक्स कूल हो जाते हैं। सो देर वॉज एन अबंडेंस ऑफ इमोशंस, एम्फेसिस ऑन म्यूजिक एंड डांस, म्यूजिक और डांस पे एम्फेसिस था। मीरा नाचती भी तो थी, हाथ में एक तारा भी तो था, ठीक है, एंड पोइट्री एज अ मोड ऑफ वर्शिप। और कविता लिख के वो भगवान से प्रेयर करते थे। एंड डिस्कवरी ऑफ द पावर एंड ब्यूटी ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, इट रिवील्ड दैट हाउ ब्यूटीफुल वॉज द लैंग्वेज ऑफ द कॉमन पीपल। जो राजस्थान की भाषा है मीरा बाई के पोइम्स में, अगर हम उसको पढ़ते हैं तो इट इज़ अमेजिंगली गुड, इट इज़ टू गुड। ब्रज भाषा में भी लोगों ने लिखा है, इफ़ यू गो थ्रू दैट यू फाइंड लाइक ट्रांसपोर्टेड टू अ वेरी डिफरेंट वर्ल्ड। इन चीज़ों के लिए टेस्ट डिवेलप करो, तब आप लिटरेचर के एक्चुअल स्टूडेंट बन पाओगे जो एन्जॉय करता है लिटरेचर को। और लिटरेचर जो है किस लिए है, एन्जॉय करने के लिए, फील करने के लिए और लाइफ में अप्लाई करने के लिए। आप लोगों में से बच्चों ने और भी सब्जेक्ट्स रखे होंगे DSC 1 या DSC 2 पे, लेकिन वेन यू गो थ्रू लिटरेचर कंसेप्ट देखते हो ना आप, यू फील टू गुड। मुझे तो यही लगता है क्योंकि मैंने इन चीज़ों को अपने साथ जिया है। जैसे जब दलित लिटरेचर पढ़ा तो आई फेल्ट दोज पैंग्स, आई फेल्ट दोज पेन्स, आई फेल्ट द एंगजाइटी, आई फेल्ट दैट वेरी रेस्टलेसनेस, उस चीज़ को मैंने खुद महसूस किया है। नाउ वील गो थ्रू भक्ति काल पोइट्री एंड सूफी पोइट्री, तो वील एन्जॉय दैट ऑल्सो। नेट पर ढूंढना कभी, मैं मुझे अगर लिंक मिलेंगे तो आई विल सेंड यू सम ऑफ द सॉन्ग्स। उनको कुछ नहीं करना, हेडफोन लगा के आराम से सुनना है, आईज़ क्लोज करके सुनना है, यू विल फील ट्रांसपोर्ट, क्योंकि उससे ही आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अदरवाइज चैप्टर तो सभी लोग करवाते, चैप्टर तो आप कहीं हेल्प बुक से भी पढ़ लोगे, लेकिन जस्ट यू नो एक टेस्ट डिवेलप करो कि एन्जॉय किस तरह से चीज़ को करना है। लाइक यू नो एक एग्जाम्पल देती हूँ, जॉन गेट्स की पोइम है, टेक अ ग्रेप, एक अंगूर का दाना लो, उसको टंग पे रखो, ऊपर जो पैलेट है ना आपका, तालू जिसको बोलते हो, उसके साथ धीरे से प्रेस करो, वो पैलेट के साथ जैसे टच होगा ना और उसका जूस अंदर को जाता है, दैट इज़ रियली एन्जॉयबल। उससे बेटर कुछ नहीं, दैट इज़ व्हाट वी कॉल एन्जॉयमेंट, वो है मज़ा, उसको अपनी इस पोइट्री में एन्जॉय करना है। सो द गॉड ऑफ द भक्ति मूवमेंट इज़ नो लॉन्गर ए ट्रांसकेंडेंट एंड इमिनेंट रियलिटी। कि जो भक्ति मूवमेंट के भगवान थे ना, ट्रांसकेंडेंट होता बियॉन्ड लिमिट्स, पहुँच से बहुत दूर, भगवान तो हमारी पहुँच से बहुत दूर, इट इज़ सेड ना, आम आदमी के पास कहाँ आता है भगवान। एंड इमिनेंट परमानेंट रियलिटी बियॉन्ड ऑल कंपैशन कॉम्प्रिहेंशन एंड सेंस, सारी अंडरस्टैंडिंग और सेंस से परे जो भगवान है भक्ति काल का, वो है, ठीक है, वो ट्रांसकेंडेंट नहीं है कि हमारी पहुंच से दूर है, वो एक अल्टीमेट रियलिटी है, ठीक है, जिसको हम लोग हासिल कर सकते हैं। इट इज़ द गॉड क्लोज टू द हार्ट ऑफ द कॉमन मैन। भगवान कैसा है, हम आ लोगों के दिल के पास है। मैनी टाइम्स आई से टू यू ना, मैं आपको बहुत बार बोलती हूँ बड़े लेक्चर्स में, हम लोग फिजिकली तो मिले नहीं है, तो मैनी टाइम्स आई से, जैसे आप कुछ गलत काम कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ कर रहे हो जो नहीं करनी चाहिए, तो अंदर से एक आवाज़ आती है ना कि यार मत करो, प्रॉब्लम आ जाएगी। फिर हम क्या करते हैं, अरे नहीं, फिर हम चार रीज़न देते हैं, नहीं ये सारे सारे फ़ायदे होने वाले हैं, चलो कर लेते हैं। वो आवाज़ उस पर्टिकुलर टास्क के कंटेक्स्ट में, मान लो हम चोरी कर रहे हैं, एक बार वो आएगी, दूसरी बार आएगी, तीसरी बार वो डाउन हो जाएगी, फिर वो आती नहीं है, वो हमारी कंसाइन से जो हमें पिक करना बंद कर देती है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल, उस वही तो हमारे अंदर तो भगवान का वही अंश है ना, बट विच वी कॉल सोल कंसाइंस, अंदर वाली है ना। सो एट टाइम्स डिटी अपीयर्स एज अ चाइल्ड, डिटी होता है गॉड, भगवान के रूप में बच्चे के रूप में आते हैं, एट टाइम्स एज अ फ्रेंड मित्र के रूप में आते हैं, और मोर ऑफन एज अ लवर लॉन्गिंग टू मीट इज बिलवड, और कई बार अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए आते हैं, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट योर भक्ति काल। भक्ति काल के बारे में जितना मैं, जितना इस बुक में उतना भी आप डिस्कस्ड इन जनरल मैंने आपसे डिस्कस किया है। जैसे ही मुझे वीडियोस मिलेंगे ना, जो मैं सॉन्ग की बात कर रही थी आपसे, आई विल सेंड यू वीडियोस ऑफ द सेम सॉन्ग। तो उसको कुछ नहीं करना, आपने हेडफोन लगा के आराम से, या फिर रात को जब आप रूम में अकेले हो, आपने उनको तब सुनना है, तो यू विल बी एबल टू फील दैट वेरी थिंग व्हाट्स एवर इज़ बीइंग कन्वेड बाय द सूफी सेंट्स, की सूफी सेंट जो है वो, या भक्ति काल के जो पोइट है वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। सो गुड डे।